रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी की। राहुल गांधी का साफ तौर पर कहना है कि पीएम मोदी मीडिया को दबा रही है, मोदी सरकार पत्रकारों को दबा रही है। कांग्रेस ने उन्हें कहा राहुल गांधी की कांग्रेस उन्हें बचाएगी। देखिए, अगर मैं रिपोर्ट्स की तरफ रुख कर लेता हूं तो कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी पत्रकारों को दबा रही है। उन्होंने बीते सोमवार को कहा कि बीजेपी की निगरानी में मीडिया को दबाया जा रहा है, मगर वे पत्रकारों को बचाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि भले ही मीडिया उन पर निशाना साधे, मगर जैसा कि वो पिछले 70 सालों से करती आई है, मगर फिर भी वो मीडिया को बचाएंगे। कांग्रेस के संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत करते हुए गांधी ने कहा, प्रेस से हमारे दोस्त यहाँ हैं, उन्हें दबाया जा रहा है, लेकिन वे 2-3 महीने में बोलेंगे, पूरा देश बोलेगा। और देखिए, अगर मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि प्रेस को वाकई में, यानी कि मीडिया को वाकई में दबाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, दरअसल ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले सूचना प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर मीडिया कुछ गलत दिखाता है या फिर सरकार के खिलाफ कुछ गलत दिखाता है, इस तरह की बात ट्वीट में उन्होंने की थी, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि फेक न्यूज़ पर अगर दिखाया जाता है तो कहीं ना कहीं उस, अगर उनकी बातों को लिया जाए, यानी कि उनके कहने का मतलब अगर यहाँ पर देखा जाए, तो अगर मीडिया सरकार के गलत कामों को दिखाती है, अगर मीडिया जो है सरकार की जो असली छवि है उसको दिखाती है, तो कहीं ना कहीं मीडिया गलत कर रही है। जी हाँ, ऐसा कहना था स्मृति ईरानी का। उनके जो शब्द थे, उनके शब्दों में कहीं ना कहीं ये बात साफ तौर पर झलक रही थी कि मीडिया केवल उनके अच्छे काम को बताए, बेहतर काम को बताए, उनकी तारीफ करे, ना कि जो सरकार की असली छवि उसको दिखाए। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। देखिए, मीडिया का काम होता है जनता के सामने सच रखना और जनता को सच बताना। तो ऐसे में जिस तरह से बीजेपी की तरफ से, यानी कि सरकार की तरफ से मीडिया पर जिस तरह का प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि अगर मीडिया सच नहीं दिखाएगी तो जाहिर सी बात है जनता को पता नहीं चलेगा कि आखिरकार देश में चल क्या रहा है। तो ऐसे में राहुल गांधी ने जिस तरह से बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो भले पत्रकारों को दबा रही है, लेकिन कांग्रेस जो है पत्रकारों को बचाएगी, और जो जिस तरह से मीडिया को दबाने की कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ भी वो हल्ला बोलेंगे। आपको याद बता दूं, बीते कुछ दिनों पहले, जी हाँ, अपने संविधान बचाओ अभियान के दौरान, भाषण के दौरान, उन्होंने जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। आइए दिखाते हैं किस तरह से उन्होंने मोदी सरकार को जमकर घेरा था। हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हम किसी के बारे में मुर्दाबाद नहीं कहते, मगर जो उनकी विचारधारा है, नहीं भैया ऐसे मत बोलिए, जो उनकी विचारधारा है नरेंद्र मोदी की, हिंदुस्तान के हर दलित को, हर गरीब को, हर व्यक्ति को समझनी है। नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं कि जो टॉयलेट को साफ करता है, जो गंद उठाता है, वो ये काम अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए करता है, पेट भरने के लिए नहीं करता है। ये हमारी प्रधानमंत्री की सोच है। मेरे पास एक व्यक्ति आए कुछ दिन पहले, मुझे कहते हैं मोदी जी से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, मैं उनको जवाब नहीं दे पाया। सवाल क्या था? मोदी जी ने इस व्यक्ति से पूछा, देखिए मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, हिंदुस्तान के दलित मुझसे गुस्सा क्यों है? जहां भी मैं जाता हूं मैं अंबेडकर जी की मूर्ति पर माला लगाता हूं, हिंदुस्तान के दलित मुझसे गुस्सा क्यों है? मोदी जी, हिंदुस्तान के दलित आपसे गुस्सा इसलिए हैं क्योंकि ये आपकी विचारधारा है। तो देखा आपने किस तरह से उन्होंने मोदी सरकार को जमकर घेरा था। अगर मैं रिपोर्ट्स की तरफ रुख कर लेता हूं, इस अभियान का जो उद्देश्य था, उनका उद्देश्य था मौजूदा सरकार के तहत संविधान पर हुए कथित हमलों और दलित से हुई जातियों पर रोशनी डालना।
गांधी ने कहा कि जब मीडिया के सदस्यों को के बचाव की बात आती है तब कांग्रेस और बीजेपी की सरकार में अंतर दिखता है। कांग्रेस सरकार ने मीडिया का बचाव किया है भले ही उसने उनके खिलाफ हमला किया और लिखा। गांधी ने कहा, प्रेस का कोई आदमी मुझसे पूछेगा तो मैं जवाब दूंगा। अब आप मुझ पर एक उपकार करें, जब श्रीमान नरेंद्र मोदी बोल रहे हो तब उनसे एक सवाल पूछिए, वे आपको उठाएंगे और कमरे के बाहर फेंक देंगे। उनमें और हम में क्या अंतर? जी हाँ, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि मीडिया ने भले ही मेरे खिलाफ लिखा है और कुछ भी जो है उन्होंने रिपोर्ट पेश की है, लेकिन हम आपको यह बता दें कि मीडिया का काम केवल ये होता है कि जो सच है उसके बारे में जो है जनता को बताए। चाहे कांग्रेस ने गलत काम किए हैं, चाहे कांग्रेस के सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी बात जो है जनता के सामने रखे जाए। चाहे बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है और दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो रही है, उसको जनता के सामने रखने। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि मीडिया किसी का समर्थन नहीं करता, जो सच होता है उसको जो है जनता के सामने पेश किया जाता है। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार में अगर मीडिया को दबाने की कोशिश की जा रही, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और ऐसा जो सरकार कर रही है ये बहुत गलत काम है, क्योंकि मीडिया केवल सच दिखाती है जनता को। और अगर मीडिया पर ही प्रतिबंध लगा दिया जाएगा या लगाया जा रहा है तो जनता तक सच कैसे पहुंचेगा? आपको यहाँ बता दूं कि जब अपना भाषण दे रहे थे राहुल गांधी, उस दौरान भी उन्होंने जमकर बीजेपी पर हमला बोला। आइए दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। हिंदुस्तान का हर दलित इस बात को समझता है, जब वो नरेंद्र मोदी जी की ओर देखता है वो समझता है कि इस व्यक्ति के दिल में हिंदुस्तान के दलितों के लिए, हिंदुस्तान के कमजोर लोगों के लिए, हिंदुस्तान के महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। अत्याचार बढ़ता जा रहा है। ऊना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जहां भी आप देखो दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़ता जा रहा है। कुचले जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। ऊना में हिंसा होती है, और वो व्यक्ति जो टॉयलेट साफ करने में स्पिरिचुअलिटी देखता है, उस व्यक्ति के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। कांग्रेस पार्टी ने गुजरात में आवाज उठाई, 3 दिन बाद स्टेज में आते हैं, आंसू निकल आते हैं। और फिर पीछे से दलितों को दबाने का काम, पैर काटने का काम। इस देश में दलितों की, गरीबों की, महिलाओं की रक्षा कौन करता है, क्या करता है? सीधी सी बात है, यह जो संविधान है यह इन सब की रक्षा करता है। और इसको, यहां संविधान को कांग्रेस पार्टी ने और अंबेडकर जी ने लिखा और हिंदुस्तान को दिया। तो देखा आपने किस तरह से राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आपको बता दूं कि 2019 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, और ऐसे में जिस तरह से बीजेपी की तरफ से गलतियां की जा रही हैं, ये गलतियां कहीं ना कहीं पीएम मोदी पर भारी पड़ सकती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करता हूं, जो समीकरण अभी तक निकलकर सामने आ रहा है, जो ग्राफ निकल रहे हैं, जो रिपोर्ट सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि अब की बार जिस तरह से बीजेपी के 4 साल के कार्यकाल में ऐसा देखने को मिला है कि ना तो कोई काम हुआ है, ना ही रोजगार को लेकर सरकार ने कदम उठाया। बेरोजगारी जिस कदर बढ़ रही है, बेरोजगारी का ग्राफ जिस कदर ऊपर बढ़ रहा है, उस पर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। मैं बात कर लेता हूँ किसानों की जो परेशानी है, उस पर सरकार ने कदम नहीं उठाया। भ्रष्टाचार का जो मुद्दा देखने को मिला, उस पर भी जो है सरकार ने कदम नहीं उठाया। व्यापार वर्ग जिस तरह से परेशान है, जिस तरह से व्यापारी परेशान है, उस विषय पर भी सरकार ने कदम नहीं उठाया। और सबसे बड़ी बात, देश में इन दिनों जो चल रही है कैश की किल्लत, जी हाँ,
कैश की किल्लत जिस तरह से देखने को मिल रही है और कई एटीएम में पैसे नहीं होने की भी बात बताई जा रही है, तो इससे साफ तौर पर पता चलता है कि सरकार ने 4 साल के अंतराल में केवल और केवल लोगों को बेवकूफ बनाया है। और इससे साफ पता चलता है कि सरकार का ध्यान देश की तरफ था ही नहीं। जिस तरह से देखिए, अगर हम परीक्षाओं की बात कर लेते हैं, परीक्षाओं में जिस तरह से धांधली देखने को मिली, एसएससी के जो पेपर थे उसमें फर्जीवाड़ा देखने को मिला, और साथ ही साथ अगर मैं बात कर लेता हूं यहां पे जो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा थी, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में जिस तरह से फर्जीवाड़ा देखने को मिला, जिस तरह से पता चला कि पेपर लीक हो गए, तो ये सब कहीं ना कहीं एक सिस्टम है जो कि लापरवाह सिस्टम कह सकते हैं, और सरकार ने कहीं ना कहीं लापरवाही बरती है, और इसीलिए इन 4 सालों में इस तरह की जो घटना है वो देखने को मिली है, और ये सभी चीजें सरकार को 2019 में नुकसान पहुंचा सकती हैं, और इन्हीं वजहों से अब की बार बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।